गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज मैं आया था अपनी टाटा नेक्सन को वापस लेने के लिए, क्योंकि कल हमने अपनी गाड़ी टाटा मोटर JKR में छोड़ दी थी। तो साथ साथ में हमने सोचा कि टाटा सफारी जो है काजीरंगा एडिशन है, उसका हम रिव्यू भी बना लेते हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं। तो अभी हमारे साथ है गगन सर, जो पूरा एक्सप्लेन करेंगे टाटा सफारी के बारे में। तो सर मेरे को स्टार्टिंग से बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं इसमें। चेंजेस ये न्यू एडिशन आया हुआ काजीरंगा। अच्छा, तो काजीरंगा नेशनल पार्क से उठाया गया है। हाँ जी, हाँ जी। और सफारी जो पहले आपने जो कलर थीम में आती थी, हाँ जी, जैसे पहले व्हाइट कलर आता था, ब्लू कलर आता था, हाँ हाँ, अभी जो न्यू आया है वो खाकी कलर में आया है। और ये आपको अवेलेबल। तो अभी हम करेंगे फ्रंट से स्टार्ट। तो सर थोड़ा एक्सप्लेन करें। यस, तो मैंने पहले बताया आपको कि काजीरंगा न्यू एडिशन है, जो कि एक नेशनल पार्क असम में है, तो उसके थीम पे लिया गया हुआ है। ठीक है, जिसको हम खाकी कलर भी बोल सकते हैं। और ये जो हमारे सामने लगा हुआ है, ये टॉप मॉडल XZ+ लगा हुआ है, और जो एडिशन अभी निकला हुआ टॉप मॉडल में निकला हुआ है। सफारी का भी एडिशन टॉप मॉडल में निकला हुआ है, जैसे काजीरंगा में नेक्सोन का भी है, जैसे आपका अल्ट्रोज इसका पंच में भी है। ठीक है, तो अभी मैं टॉप मॉडल की बात करता हूँ। एज इट इज़ जब मैं फ्रंटल साइड की बात करूँगा, तो वैसे ही आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको दिए गए यहाँ पे, DRLs आपको बहुत सेट दिए गए आपको। ठीक है, DRLs प्लस ये टर्न इंडिकेटर का काम भी करते हैं आपको बहुत। उसके बाद आपके हेलो आपके फॉग लैंप्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, टर्निंग कॉर्निंग फॉग लैंप्स बोलते हैं इसको। ठीक है, और टायरों पैनो फिनिशिंग टायरों यहाँ पे शेप मिल जाएगी फ्रंट में। ठीक है, और सेंटर में आपको टाटा का एक लोगो मिल जाएगा आपको जी। एंड उसके बाद अगर मैं साइड व्यू की बात करूँगा, फ्रंट साइड में इतना ही है कि DRLs है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपके दिए हुए हैं। ठीक है, फॉग लैंप्स आपके दिए हुए हैं, टायरों शेप में दिया हुआ है। और अगर मैं साइड की बात करूँगा, तो यहाँ पे आपको ORBM जो है हमारे टर्न इंडिकेटर का काम भी करेंगे, प्लस से ऑटो फोल्डेबल रहेंगे, मतलब इसको ऑटो फोल्डेबल भी कर सकते हो और अंदर से आप एडजस्ट भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक चीज़ दी है। या ये राइनो एक्चुअली में जो मैंने पहले बताया आपको कि जो नेशनल पार्क असम में काजीरंगा है, राइट, उसके थीम पे ही लिया गया है। ठीक है, अभी आप अगर आप गूगल पे देखोगे तो वहाँ पे पूरी हिस्ट्री बता देगा कि क्यों इस थीम पे टाटा मोटर ने काम किया हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन बाद में कर दूँगा। यस, हाँ, कलर खाकी कलर किया हुआ है मोस्टली। इसके कलर्स जैसे रनिंग कलर, जैसे वाइट आपके पीछे लगा हुआ अभी, हम इसको भी आप देख सकते हो, वाइट कलर है जी। हाँ राइट सर, वाइट कलर आता है, ब्लू कलर इसमें आ जाता है। ठीक है, एंड सेम एज इट इज़ अगर आप देखोगे, डायमंड कट अलॉयज मिल रहे हैं, जिसका डायमेंशन आपको R17 का मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जिसकी जो विड्थ होती है 235 विड्थ है आपका, एक्सपेक्ट रेशियो इसको बोलते हैं, जो कि 60 की है। ठीक है, 235 जो चौड़ाई है इसकी, राइट, और जो अलॉय का डायमेंशन है वो R18 का मिलेगा। ठीक है, अलॉय का आपका ये आपको टॉप मॉडल में प्रोवाइड होता है, ऐसा डायमंड कट अलॉयज आपको। ठीक है, तो ये कौन सा मॉडल है? ये XZ+ है, XZ+ जो अभी टॉप मॉडल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो पूरे ब्लैक डॉट किए हैं इन्होंने जी जी, क्योंकि इस एडिशन के साथ इन्होंने थोड़ा यही मैशअप किया हुआ। ठीक है, ड्यूल टोन है। हाँ, ड्यूल टोन है जो रूफ है। यस 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 यस, तो काजीरंगा एडिशन को इसमें जो जी, यस यस यस, पैनोरमल सनरूफ है वो, हम अंदर से चल के आपको मैं सारा बताऊंगा। अच्छा जी, ठीक है, तो अभी पीछे से तो राइट सर, टेल लाइट के बारे में बताते हैं। यहाँ पे आपको कैमरा माउंटेड किया है, बाइपर्स माउंटेड किया हुआ है। ठीक है, हाई माउंटेड टेल गेट लाइट माउंट की हुई है। बूट स्पेस तो इसमें इतना नहीं मिलेगा, बिकॉज 7 सीटर है, 7 सीटर की कैपेसिटी है। इसको आप मतलब स्प्लिट कर सकते हो, आप फोल्ड कर सकते हो, तो आपके आपके बूट स्पेस को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी तो जो 70 लीटर इसका बूट स्पेस है? नहीं नहीं, 70 लीटर नहीं है। हाँ, अगर हाँ पीछे का बैक साइड देखोगे तो इतना, हाँ मतलब हाँ फोल्ड करेंगे तो एक्सटेंड हो जाएगा, वो 400+ बन जाएगा वो। ठीक है, और जो स्टेपनी वगैरह जो आएगी इसकी, यहाँ पे जो टूल्स किट आपकी सारी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो टूल्स है, इसको एंटी क्लॉक यहाँ से मतलब जो नट्स है उसको रोटेट करके हम स्टेपनी को इजेक्ट कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको अंदर चलेंगे, अंदर का सारा व्यू बता देता हूँ आपको। तो जो LED जी, LED यस यस यस, LED टेल लाइट है, प्लस आपका टर्न इंडिकेटर का काम भी करते हैं। कैमरा यहाँ पे माउंट किया हुआ है हमने। ठीक है, सफारी की यहाँ पे वेजिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, फॉग लैंप्स सॉरी क्या बोलते हैं आपको, डिफोगर सब मिल जाएंगे आपको बैक साइड आपको। ठीक है, आपको बाइपर, स्मार्ट बाइपर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, शार्क फिन एंटीना भी इसमें यूज़ किया हुआ है, नॉर्मल जो जो नीचे वाले मॉडल है उसमें आपके थोड़ा वो शार्क फिन एंटीना नॉर्मल एंटीना आता है, इसमें आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा आपको। ठीक है, वोकल फॉर लोकल का टैग यहाँ पे दिया हुआ है आपको जी, वो टाटा भी आजकल सभी गाड़ियों में दे रही है। हाँ जी सर,
मेन तो अभी इंटीरियर का है, क्योंकि इंटीरियर में बहुत सारी फंक्शनिंग दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डैशबोर्ड से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको 9.9 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसमें आपको तो ये है हमारा डैशबोर्ड टाटा सफारी का, और सर एक्सप्लेन करेंगे पूरे फीचर जो भी हैं इसमें ना। फीचर्स तो इंटीरियर के बहुत सारे हैं। सबसे पहले मैं कंसोल की बात करता हूँ। कंसोल में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है 9 इंच का, ठीक है, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, गूगल मैप, नेविगेशन सिस्टम सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फ्रंट फॉग लैंप्स, रेयर फॉग लैंप्स के बटन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स मोड दिए हुए जो पावर को इन्हांस करता है। ठीक है, आप एकदम से पावर को इन्हांस कर सकते हो। ठीक है, एक्सलेट कर सकते हो, जिसमें आपको जैसे एकदम से ओवरटेक करना तो आप स्पोर्ट्स मोड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इकोनॉमिकल मोड दिया हुआ है आपको, एंड नीचे आपको फैन स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। आपको फ्रंट डिमिस्टर एंड रेयर डिमिस्टर आपको दिया हुआ है। ठीक है, जो विंडशील्ड पे धुंध वगैरह लगती है तो उसको आप यहाँ से इरेज कर सकते हो। कॉइल बर्न होकर ऑटोमेटिकली वो धुंध को इरेज कर सकती है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक का बटन भी दिया हुआ है, और नॉर्मली आप मैनुअल एसी भी यूज़ कर सकते हो। ऑटोमेटिक वहाँ पे थर्मोस्टैटिक सेंसर दिया हुआ है, तो सेंसर यस ये वो सेंसर है, अपना टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर सेंस करके अंदर का टेम्परेचर, कैबिन का टेम्परेचर अपने आप वो बना देगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आपको टेरेन मोड्स दिए हुए हैं ये गाड़ी में, जो कि आपने पहले हैरियर में भी देखे थे, सफारी के XZ मॉडल से ये स्टार्ट हो जाता है टेरेन कंट्रोल मोड्स। ठीक है, यहाँ पे आपको हिल होल्ड और हिल डिसेंड का बटन दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे आपको 2 से 2.5 सेकंड गाड़ी वहाँ पे पॉज रहता है, राइट, इस बटन के दबाने से। उसके बाद आप जो लेफ्ट हैंड साइड जो देख रहे हो ट्रैक्शन कंट्रोल का TCS, ठीक है, यहाँ पे जिग जैग है, ठीक है, रफी रोड है, वहाँ पे आपको ट्रैक्शन बनाए रखता है। जो टेरेंस कंट्रोल की बात कर रहा था, जहाँ पे आपको 3 मोड्स मिलते हैं। ठीक है, एक रफ मोड, वेट मोड और सिटी मोड। ठीक है, रफ मोड जैसे आपकी वहाँ पे रफी रोड है, ठीक है, तो आपको रोटेट करके रफ मोड पे ले आना है, जहाँ पे कहीं पे स्लिपरी सरफेस है। ठीक है, बॉडी गाड़ी का जो है स्कीड होता है, तो वहाँ पे आपको वेट मोड यूज़ करना है, जो फ्रिक्शन बनाए रखेगा। ठीक है, तो आपको गाड़ी चलाने में काफ़ी आसानी होगी। नॉर्मल जो चलाना है आपने सिटी मोड में इसको गाड़ी को चलाना है। ठीक है, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल रहा है। ठीक है, और रिवर्स आपका प्रेस करके नॉब प्रेस करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन रहेगा। ठीक है, अगर पावर की बात करूँगी इस गाड़ी की, तो 170 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर है इस गाड़ी का, और क्रायटेक नाम दिया हुआ है इस गाड़ी का, पूरा प्योरली फियाट का इंजन दिया हुआ है। जो लैंड रोवर डिस्कवरी के ऊपर प्लेटफॉर्म पे जो हमने इंजन इसका यूज़ किया हुआ है वो फियाट दे रहा है, FCA फियाट क्राइसलर ग्रुप जो पूना में काम करता है, जो जीप कंपस, ग्रैंड चेरोकी, रैंगलर गाड़ियां जो है उनमें इंजन प्रोवाइड कर चुका है। फियाट बहुत बड़ा कंपनी है जो बहुत सारी कंपनियों को इंजन देता है। तो टाटा ने हैरियर एंड सफारी में फियाट का इंजन यूज़ किया हुआ है, जिसमें 2 लीटर का इंजन है, बट BHP आप देखोगे तो 170 ब्रेक हॉर्स पावर, बहुत ज़्यादा BHP है, टॉर्क 360 का टॉर्क है। टाटा ने इसका इंजन का नाम दिया क्रायोटेक। वैसे पूरी अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो वो फियाट की है, फियाट की बहुत सारी गाड़ियाँ जो जैसे मैंने पहले बोला जीप कंपस देखोगे वो इंजन इसको यूज़ कर रहे हैं अभी, राइट। बॉडी शेल की बात करूँगा तो ओमेगा आर्क एक जैगुआर लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म है, जो बॉडी शेल है पूरा उनकी प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ बनती है। ठीक है, वही प्लेटफॉर्म हम इस गाड़ी में एंड हैरियर में वो डाल रहे हैं, जब से हैरियर और ये लॉन्च हुई है। ठीक है, तो मतलब बिल्ड क्वालिटी में तो नो डाउट कोई ये नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप डैशबोर्ड या 6 एयरबैग आपको टॉप मॉडल में मिलते हैं, थोड़ा डैशबोर्ड के बारे में बताएंगे। जी, वुडन फिनिशिंग थीम पहले अगर आप देखोगे तो अभी ये काजीरंगा एडिशन है खाकी कलर में, तो खाकी कलर में वुडन फिनिशिंग इसलिए दिया है बिकॉज ऑलरेडी इस गाड़ी के जो कलर है उसको मैच करने के लिए वुडन फिनिशिंग दिया हुआ है। नॉर्मल अगर आप व्हाइट कलर में देखोगे तो यहाँ पे आपको अलग पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड भी सॉफ्ट टच है। ठीक है, एंड 6 एयरबैग आपको मिल रहे हैं, जैसे फ्रंट साइड आपको मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पिलर्स पे आपको एयरबैग मिल रहे हैं, पीछे के आपको एयरबैग मिल रहे हैं, एंड JBL का साउंड सिस्टम इसमें यूज हुआ है, एम्पलीफायर इसमें है, बेस इसमें है, बूफर इसमें है, ट्विटर इसमें है, इसमें आपके 6 स्पीकर्स हैं, और ट्विटर्स यूज हुए हैं इसमें, एम्प यूज हुआ है, एम्पलीफायर यूज हुआ है, आपको सब बूफर आपको मिल रहा है। तो मतलब एक छोटा मोटा चलता फिरता है DJ है, मतलब आपको कोई भी मतलब नॉर्मली जो हम गाड़ी है वो हरमन का सिस्टम यूज किया हुआ है, लेकिन JBL भी टॉप 2 में कंपनी में आता है, और हरमन में नो डाउट हरमन भी सही है, लेकिन जो क्वालिटी वाइज अगर आप JBL देखोगे तो हमने टॉप मॉडल में XZ जो है और XZ प्लस है उसमें JBL यूज़ किया हुआ है। ठीक है, नाउ अगर मैं स्टेयरिंग की बात करूँगा यहाँ पे, तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग आपको मिल जाएगा, मतलब आप अप एंड डाउन एंड पुल एंड पुश आप इसको अपने अकॉर्डिंग आप अपने इसको सेट कर सकते हो। क्रूज कंट्रोल अपनी स्पीड को सेट कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको ऑडियो कंट्रोल यहाँ पे मिल रहा है, वॉइस कमांड आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड ड्यूल टोन हॉर्न रहेगा, टर्न इंडिकेटर आपके उस तरफ रहेंगे आपके राइट हैंड साइड में। ठीक है, एंड आपके हेडलाइट्स के कंट्रोल भी राइट हैंड साइड पे रहेंगे, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वाइपर्स वगैरह का कंट्रोल्स मिलेगा। ठीक है, एंड मैं जो पहले बात की थी कि ORVM इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, ऑटो फोल्डेबल इलेक्ट्रिकल का वहाँ पे मिल जाएगा, चारों पावर विंडोज आपको मिल रही हैं। ठीक है, ड्राइवर चाहे तो अपने चारों साइड का कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी सॉफ्ट टच है सर। यस, ये भी सॉफ्ट टच डैशबोर्ड है। यस, अगर आप सीट्स की क्वालिटी देखेंगे तो
अभी जो टाटा की जो अपडेशन आई हुई है, ठीक है, तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या की है, उन्होंने एसी वेंटिलेटेड सीट्स दे दिया है, ठीक है। फर्स्ट हमने एसी वेंटिलेटेड सीट दी है, सेकंड हमने इसमें क्या बोलते हैं वायरलेस चार्जिंग कर दिया है, ठीक है। थर्ड जो एप्पल कारप्ले लोगों को काफ़ी ज़्यादा पहले ये था, मतलब फीडबैक आ रहा था कि एप्पल कारप्ले को वायरलेस बनाओ, ठीक है, क्योंकि पहले भी कोई भी गूगल मैप चलाना होता तो हम यहाँ पे डाटा केबल कनेक्ट करते थे, ठीक है, थोड़े से हैजल्स आते थे, वायर वगैरह आगे पीछे रखने पड़ती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आप ब्लूटूथ से ही अपना ऑन करके यहाँ पे एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद आपका काजीरंगा में आप देखोगे तो एयर प्योरीफायर है, मतलब इनबिल्ट एयर प्योरीफायर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इनबिल्ट। और तो मैंने चार फंक्शनिंग जो अपडेट किया है वो अभी टाटा ने, जैसे आपकी एसी वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, एयर प्योरीफायर, प्लस आपका वायरलेस चार्ज, सॉरी क्या बोलते हैं एप्पल कारप्ले हम विदाउट वायर चला सकते हो। नाउ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे आपको पहले नॉर्मली अगर आप हैरियर देखोगे तो वहाँ पे आपको स्मार्ट हैंड ब्रेक दी हुई है, ठीक है, जस्ट यू हैव टू प्रेस द ब्रेक एंड अप, तो अप करेंगे तो लग जाएगा ब्रेक प्रेस करके, फुट ब्रेक प्रेस करके, डाउन करेंगे तो ये बहुत ही स्मार्ट लग रही है, बहुत अगर डाउन करेंगे तो ये डिसंगेज हो जाएगा, एंगेज एंड डिसंगेज आपने फुट ब्रेक से करना है, ठीक है। ऑटो होल्ड भी है, गाड़ी इनफैक्ट कहीं पे बंद पड़ता है एकदम से, ठीक है, तो अपने आप ऑटो होल्ड की ब्रेक लग जाती है, मतलब हैंड ब्रेक अपने आप लग जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको एक आर्मरेस्ट मिला हुआ है, आर्मरेस्ट के अंदर आपको 12 वोल्ट का चार्जर है, ठीक है, 5 वोल्ट के दो प्लग मिल रहे हैं, यूएसबी आपको फ्रंट साइड में, हाँ यहाँ पे सेंटर पे मिलूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कप होल्डर्स आपको मिल रहे हैं, प्लस आपको कूल ग्लो बॉक्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यस सर, तो सनरूफ की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी टॉप मॉडल में सनरूफ हमने दिया, पैनोरमिकल सनरूफ का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, इसमें पूरा, तो जो आपकी पूरी लेंथ को कवर करता है बैक साइड तक, मतलब फाइव सीटिंग, यस सर, जी, तो नो डाउट ये जो शटर है ये खुल के आपका इसके ऊपर आ जाएगा, ये मैं अभी की लेके आपको सारा बता देता हूँ आपको, जी। तो IRBM की मैं बात करूँगा, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक ऑटो डीमिंग है और इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, जस्ट आपको ये प्रेस करना है तो आपको जो नाइट विजन की जो ब्लर वगैरह जो आंखों पे पड़ता है बैक साइड का वो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, तो मतलब इजी टू ड्राइव के लिए, ठीक है। अभी बात करेंगे रियर सीट के कम्फर्ट के बारे में, तो नो सर, कैप्टन सीट में ऑप्शो A7 सीटिंग कैपेसिटी है, 6 सीटर में कैप्टन सीट का आता है, जैसे कोई डिमांड करता है कैप्टन सीट्स की तो उसमें क्या रहता है, यहाँ पे एक वो गैप मिल जाएगा, दो कैप्टन सीट्स मिल जाएगी, वो आपका 6 सीटर में आएगा, मतलब ठीक है, ये 7 सीटिंग कैपेसिटी में है, तो 7 सीटिंग कैपेसिटी में आपको ये पूरा आपको यहाँ पे पूरी सीटिंग कैपेसिटी मिलेगी, ठीक है। स्लाइडिंग मिलेगी बोथ साइड, आपको अप एंड डाउन यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, हाँ बोथ साइड, ये भी आपका यहाँ पे ये सारी स्लाइड कर, जिसके आपको जो लेग रूम है आपको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। AC वेंट से बहुत अच्छी बात की, कुछ एसीवेंट मिडिल में होते हैं, तो हैरियर में और जो सफारी में स्टार्टिंग से ही एसीवेंट इन्होंने पिलर्स पे रखे हैं, और वो भी इनके जो इस सेट बहुत सेट रखे, यस यस, यहाँ पे आपको JBL के ट्विटर्स आपको मिल रहे हैं, स्पीकर आपको नीचे मिल जाएगा एक, आपको विंडोज़ पे आपको दिख रहे होंगे वहाँ पे स्पीकर्स, प्लस आपको हाँ JBL के ट्विटर्स, प्लस आपको नीचे स्पीकर मिल जाएंगे। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो स्पेस का यूज़ किया हुआ है जो विंडोज़ पे, ठीक है, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आप अपना सेल फोन रखने की जगह, नीचे अपना पूरा आपका पूरा फुल 1 लीटर का बोतल आपका यूज़ है, ठीक है, एक्स्ट्रा आप कुछ अपने लगेज रखना है छोटा मोटा वो भी आप वहाँ पे रख सकते हो आप, ठीक है। तो USB के यहाँ पे आपको 5 वोल्ट का USB के दो पोर्ट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, और ये तो आपको स्टोरेज स्पेस ही है छोटा सा आपको, ठीक है, और उसके मैंने बोला कि बोथ साइड आपको थोड़ा सा मतलब जो स्टोरेज स्पेस अच्छी दी हुई है, ठीक है। हेडरेस्ट आपको मूवेबल दिए हुए हैं, ठीक है, हेडरेस्ट को आप मतलब अपने अकॉर्डिंग अपना अप एंड डाउन आप कर सकते हो, ठीक है। एंड बैक साइड सिटिंग कैपेसिटी के साथ आपको अगर पीछे की तरफ देखोगे तो बैक साइड भी आपको वहाँ पे भी आपको इस कॉर्नर पे आपको कप होल्डर्स मिल रहे हैं, एंट्री का बताया तो आपको पैसेंजर साइड से यहाँ पे एंट्री करना है गाड़ी का, ठीक है। बैक साइड आप देखते हो तो वहाँ पे भी आपको दो आपको USB के आपको यहाँ पे पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके और फैन स्पीड का देखोगे तो अपनी फैन स्पीड भी आपको वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो आप, हाँ यस ये फैन स्पीड का है। तो मतलब पीछे भी आपको एसी वेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पिलर्स पे आप देखोगे बैक साइड जो हाँ यहाँ पे, यस यस, दो अडल्ट्स बैठ सकते हैं, मतलब अगर तीन बैठेंगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हल्का सा हो जाएगा, लेकिन कंफर्टेबली दो अडल्ट्स बैठ सकते हैं। एंड सेकेंडली यहाँ पे अगर एसी वेंट्स की बात करूँगी तो बोथ साइड आपको एसी वेंट आपको दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब कूलिंग वगैरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, प्लस आपको स्टोरेज स्पेस यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है, ठीक है, कप होल्डर्स आपको दिए हुए हैं, प्लस USB चार्ज आपको दिया हुआ है। ये था हमारा टाटा सफारी काजीरंगा एडिशन का रिव्यू, जो कि हमारे गगन सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, हर फीचर को बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो गगन सर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, और
तो जिस किसी को भी कोई इंक्वायरी होगी टाटा की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड, टाटा सफारी, हैरियर, टाटा टियागो, तो हम गगन सर का नंबर वहाँ पे डाल देंगे और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का रिव्यू हमारा फाइनल हो गया और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।